हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस मांडाविला के प्लांट का रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा एक रेड कलर का मांडाविला प्लांट। इसको हम पॉट से निकाल लिए हैं और रूट प्रूनिंग की चुकी है। आज हम इसका रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देंगे 70% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट, 1 मिट्टी डल चुका है और इसमें कंपोस्ट डालेंगे। ये है कंपोस्ट, इसका 30% लेंगे। ये हम ले चुके हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के पहले हम इसमें और थोड़ी सी खाद डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे ये है नीम केक पाउडर, जो एंटी फंगल है, और ये है कुछ मस्टर्ड केक पाउडर, जो न्यूट्रिएंट देने के लिए सहायक होगा, और इसमें थोड़ी सी बोन मिल देंगे जो पौधे को स्ट्रेंथ देगा। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। हम इसमें केमिकल का यूज नहीं किए हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे मिट्टी और खाद अच्छे से मिल जाएगा, उसी तरह इसको हम 2-3 बार मिला लेंगे और जो बड़ा बड़ा मिट्टी है इसको तोड़ देंगे। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। हमारा मांडाविला प्लांट 4 मंथ होगा डरमेंसी पीरियड में था, अब उसका ग्रोथ स्टार्ट हो रहा था। मैंने सोचा कि हम आज रिपोर्टिंग कर लेंगे, अच्छा ग्रोथ लेगा, इसलिए हम आज रिपोर्टिंग करेंगे। यह है एक पॉली बैग, 12 इंच का है, 12 बाई 12 का है। इसमें मिट्टी भर लेते हैं। इसमें ड्रेनेज होल होना बेहद ज़रूरी है। इसमें ड्रेनेज होल है, इसको अच्छे से पटक लेते हैं, क्योंकि जो एयर पॉकेट्स होगा वो बाहर निकल जाएगा और मिट्टी सेट हो जाएगा। इसको अच्छे से भर लेते हैं और इसमें पौधे को बिठा लेते हैं। इसको अच्छे से बिठा लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से रूट हुआ है। इसमें हमारा रेड कलर का मांडाविला खिलता है। हमारे पास और भी एक वैरायटी का है जो वाइट कलर का खिलता है फूल। इसमें अच्छे से मिट्टी भर लेते हैं। इसको अच्छे से मिट्टी भर के इसमें पानी डालेंगे और इसको 2-3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखेंगे, क्योंकि जो रूट डिस्टर्ब हुआ है वो रिकवर हो जाएगा और पौधे को ग्रोथ के लिए सहायक होगा। यदि हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे वो पौधा मुरझा जाएगा और मरने की संभावना है। इसमें अच्छे से मिट्टी भर चुका है। अब हम इसको अच्छे से दबा लेंगे मिट्टी को। इसको थोड़ा पटक लेंगे, क्योंकि जो एयर पॉकेट से वो बाहर निकल जाएगा और मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी अच्छे से डाल लेंगे, क्योंकि जो रूट को डिस्टर्ब हुआ है वो रिकवर हो जाए और सख्त ना लगे पौधे को।